स्टूडेंट्स, आप सभी का श्रीमती चंद्रावर गुप्ता कॉलेज बासठ देवघर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का पेपर है, फोर्थ कंपलसरी भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्य के संदर्भ में, और यूनिट आपके फर्स्ट है भाषा सत्ता और समाज। लेकिन आज आपका टॉपिक है वो न्यू है, भाषा और धर्म। भाषा और धर्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि भाषा और धर्म क्या होता है, यानी कि भाषा का धर्म से किस प्रकार से संबंध होता है। उससे पहले हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे कि प्रस्तावना क्या कहती है, और फिर उसके बाद हम भाषा और धर्म से संबंधित पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो भाषा और धर्म, यानी कि भाषा का धर्म से किस प्रकार से संबंध होता है, भाषा धर्म से किस प्रकार से संबंधित होती है। तो भाषा एवं धर्म पर व्यापक रूप से विचार किया जाए तो धर्म का भाषा के साथ घनिष्ठ संबंध माना जाता है, यानी कि भाषा एवं धर्म पर व्यापक रूप से विस्तृत रूप से चर्चा की जाए तो धर्म को भाषा के साथ घनिष्ठ संबंध माना जाता है, यानी कि धर्म का भाषा के साथ घनिष्ठ संबंध होता है, बहुत अच्छा तालमेल होता है। भारतीय व्यवस्था में धर्म का संबंध भारतीय सबसे अधिक संस्कृत भाषा से देखा जाता है, यानी कि भारतीय व्यवस्था में धर्म का जो संबंध होता है वो सबसे अधिक संस्कृत भाषा से देखा जाता है, यानी कि भारतीय व्यवस्था में धर्म का संबंध सबसे अधिक संस्कृत भाषा में देखा जाता है, संस्कृत भाषा से देखा जाता है। और वैदिक धर्म को आधार माने जाने वाले ग्रंथों को, यानी कि वैदिक धर्म से रिलेटेड जितने भी ग्रंथ थे उन ग्रंथों को आधार माने जाने वाले ग्रंथों को भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है, यानी कि वैदिक धर्म का आधार माने जाने वाले जितने भी ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनको भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि ईश्वरीय आराधना एवं विविध प्रकार की कथाओं का उल्लेख भी संस्कृत भाषा में मिलता है, यानी कि ईश्वरीय आराधना किसी भी देवी देवता की आराधना हो और विविध प्रकार की कथाओं का उल्लेख भी हमें संस्कृत भाषा में ही मिलता है, यानी कि कथाओं का देखें हम तो उसका उल्लेख भी हमें संस्कृत भाषा में मिलेगा। किसी भी देवी देवता की आराधना यदि हम करें तो वो भी संस्कृत भाषा में की जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म की आधारभूत भाषा संस्कृत है, यानी कि इससे ये स्पष्ट हुआ कि हिंदू धर्म की जो आधारभूत भाषा है वो संस्कृत है, और विभिन्न विद्वानों द्वारा सरल एवं बोधगम्य आधार मानकर इसका अनुवाद हिंदी भाषा में किया गया है, यानी कि संस्कृत भाषा को आधारभूत भाषा माना गया है। लेकिन विभिन्न विद्वानों के द्वारा उस भाषा को, यानी कि विभिन्न विद्वान हिंदी को सरल भाषा मानते, बोधगम्य भाषा मानते, और बोधगम्य और सरल भाषा मानने के कारण हिंदी भाषा में इसका अनुवाद किया गया, यानी कि विभिन्न विद्वान ये मानते हैं कि हिंदी भाषा सरल है, बोधगम्य यानी समझने योग्य होने के कारण इसका अनुवाद हिंदी भाषा में किया गया है। इसका अनुवाद किस में किया गया है? हिंदी भाषा में। लेकिन विभिन्न विद्वान क्या मानते हैं कि हिंदू धर्म की आधारभूत भाषा क्या है? संस्कृत। यानी विभिन्न विद्वानों द्वारा हिंदू धर्म की जो आधारभूत भाषा मानी गई है वो तो संस्कृत मानी गई है, लेकिन विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो सरल समझने योग्य बोधगम्य जो भाषा आधारभूत भाषा जो मानी गई है वो हिंदी मानी गई है, और हिंदी में उसका अनुवाद किया गया है। यानी कि कहने का तात्पर्य सीधा सा ये है कि विविध प्रकार के जो ग्रंथ हैं, जो लेख हैं और जो वेद हैं उनका हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया है विभिन्न विद्वानों के द्वारा। क्यों? क्योंकि विभिन्न विद्वानों के द्वारा सरल और बोधगम्य समझकर उसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया है। हिंदी भाषा की सरलता के कारण विभिन्न ग्रंथों का अनुवाद हिंदी भाषा में किया गया है, यानी कि हिंदी भाषा सरल है, इसके कारण विभिन्न ग्रंथों का अनुवाद हिंदी भाषा में किया गया है। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा तो टफ भाषा है, कठिन भाषा है, और कठिन भाषा होने के कारण संस्कृत ही उसका आधारभूत माना गया है। यानी कि हिंदू धर्म क्या मानता है? हिंदू धर्म संस्कृत को ही आधारभूत ग्रंथ मानता है, लेकिन बोधगम्य होने के कारण, सरल होने के कारण विभिन्न विद्वानों ने हिंदी में उनका अनुवाद करवाया, और अनुवाद करवाने के कारण उसको सरल बनाया। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा,
भाषा एवं धार्मिक क्रियाकलाप, यानी कि भाषा का धार्मिक क्रियाकलापों से किस प्रकार से संबंध है, यानी कि भाषा एवं धार्मिक क्रियाकलाप किस प्रकार से होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक क्रियाकलापों का संबंध भाषा से ही होता है, यानी विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं उनका संबंध भाषा से ही होता है। विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों का संबंध भाषा से होगा। मैंने आपको भाषा और वर्ग के अंतर्गत एक बताया था कि जिस कहने का मतलब है कि जिस धर्म को हम धारण करते हैं उसी प्रकार के हमारे क्रियाकलाप झलकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों का संबंध किससे होता है, भाषा से होता है। जैसे हिंदू धर्म में यज्ञ एवं अनुष्ठान की संपूर्ण प्रक्रिया को ही हिंदी भाषा में वर्णित किया गया है, यानी कि हिंदू धर्म में यज्ञ एवं अनुष्ठान की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसको हिंदी भाषा में वर्णित किया जाता है, यानी कि हिंदू धर्म में यज्ञ जो किया जाता है, अनुष्ठान जो किया जाता है, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया हिंदी भाषा में ही संपन्न होती है, हिंदी भाषा में ही उसको वर्णित किया जाता है। इसके साथ साथ मंत्रों का जो संबंध होता है वो संस्कृत से होता है, यानी कि मंत्र तो संस्कृत में होते हैं लेकिन जो अनुष्ठान और यज्ञ किए जाते हैं वो हिंदी भाषा में किए जाते हैं। साथ में जो गायत्री मंत्र होता है और अन्य देवी देवताओं के जो मंत्र होते हैं वो संस्कृत भाषा में होते हैं, यानी कि गायत्री मंत्र भी अगर हम उच्चारित करते हैं तो वो हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा में होता है। उसी प्रकार से अन्य देवी देवताओं के जो मंत्र होते हैं वो भी संस्कृत भाषा में ही होते हैं। जिनको पढ़कर यज्ञ एवं अनुष्ठान कार्यों में हवन किया जाता है, यानी कि संस्कृत में जो गायत्री मंत्र होते हैं या अन्य देवी देवताओं के यज्ञ होते हैं उनको पढ़कर ही संस्कृत भाषा में क्या किया जाता है, अनुष्ठान या हवन कार्य किया जाता है। इस प्रकार संस्कृत भाषा में धार्मिक क्रियाकलापों को संपन्न किया जाता है, यानी कि संस्कृत भाषा में ही धार्मिक क्रियाकलापों को संपन्न किया जाता है। इस प्रकार उर्दू भाषा का संबंध इस्लाम से होता है, अंग्रेजी भाषा का संबंध ईसाई धर्म से माना जाता है, और इससे स्पष्ट होता है कि धार्मिक क्रियाकलापों का संबंध किसी न किसी भाषा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि धार्मिक क्रियाकलापों का संबंध किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ मैंने बोला आपको कि इस प्रकार संस्कृत भाषा में धार्मिक क्रियाकलापों को संपन्न किया जाता है, यानी कि जो हिंदू लोग होते हैं वो यज्ञ या अनुष्ठान तो हिंदी में करते हैं लेकिन जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो संस्कृत भाषा में करते हैं। उसी प्रकार से जो उर्दू भाषा होती है, उर्दू भाषा का संबंध इस्लाम धर्म से माना जाता है, अंग्रेजी भाषा का संबंध ईसाई धर्म से माना जाता है, और ईसाई धर्म से मानने के कारण इससे ये स्पष्ट होता है तीनों धर्मों से या विभिन्न प्रकार के धर्मों से ये स्पष्ट होता है कि धार्मिक क्रियाकलापों का संबंध किसी न किसी रूप से भाषा के प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, यानी कि किसी न किसी रूप से भाषा का संबंध प्रत्यक्ष क्रियाकलापों से जुड़ा होता है। इस प्रकार भाषा एवं धार्मिक क्रियाकलापों का यह संबंध कंप्लीट हुआ। तब तक के लिए एक पॉइंट कंप्लीट है, इसको आप लिखिएगा और अपनी नोटबुक में मेंशन जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।